आप लोग सभी लोगों ने तो ब्रह्मास्त्र देख लिया होगा भाई सबसे पहले मैं आपको ये बात जिन लोगों ने भाई ने भी अभी ब्रह्मास्त्र मूवी को नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉइलर है और जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देखा कि मैं पार्ट टू की क्या है स्टोरी होने वाली फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट उसको गैस करके और आपको प्रूफ करके ही बताऊंगा कि एक्चुअली में ये स्टोरी क्या और कौन सा मूवी से लिया गया है मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उठाया गया है तो सभी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में और प्लीज रिक्वेस्ट है कि स्पॉइलर होगा तो अगर आपने ब्रह्म नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को मत देखिए और अगर आपने देख लिया अगर आप जानना चाहते कि पार्ट टू में एक्चुअली में क्या दिखाना चाहता है या क्या दिखाया जाएगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना तो जैसे कि इस पार्ट में दिखाया रणबीर कपूर के पास एक आग वाला जो पावर रहता है लेकिन उसको पता नहीं रहता कि एक्चुअली में उसके पास पावर आया क्या वो बहुत रहता है, लेकिन वो एक टाइम पर वो जब आश्रम यानी जब अमिताभ बच्चन का आश्रम वहां जब पहुंचते है तो वहां पर वो अपनी शक्ति का मतलब उसको पता ही नहीं रहता लेकिन उसकी शक्ति का जो इस्तेमाल हो जाता है और अमिताभ बच्चन वहां पर उस शक्ति को देखकर काफी ज्यादा सॉक्ट हो जाता और उसे अपने मतलब उनके पास्ट के बारे में याद आ जाती है देव जी हाँ आगे मैं आपको बताने वाले देव है अगर आप लोगों ने देख लेगा तो आपको पता ही होगा देव कौन है तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि सेम सेम ये पावर वाला लड़का देव की शक्ति के जैसा कैसे हो सकता है अब अमिताभ बच्चन तो समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब जितना भी कुछ हो रहा है तुमसे जुड़ा हुआ है रणबीर कपूर यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि लेकिन कैसे मुझसे जुड़ा हुआ है तो अमिताभ बच्चन बताते कि ये जो देव है जिसको ये ब्रह्मास्त्र चाहिए वो तुम्हारा बाप है और उसके बाद से ये जो जल अस्त्र की जो लड़की की है जिसका नाम अमृता है भाई साहब तो वो लड़की तुम्हारी माँ लेकिन ये सोचता है दोनों अपोजिट है दोनों अपोजिट है, है, है।, है।, मतलब है एक गर्म एक ठंडा है तो यही सब चीज सुनकर रणवीर कपूर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और अमिताभ बच्चन रणवीर कपूर को यह भी बता रहा है कि तुम्हारा जो बाप था देव उसको यहाँ ब्रह्मास्त्र चाहिए था क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा लेकिन तुम्हारी माँ इस बात से एग्री नहीं थी और उसने ब्रह्मास्त्र के तीन टुकड़े कर दिए और तीन टुकड़े में से यहाँ पर सब दिखाया जाता है एक टुकड़ा जो रणबीर कपूर के पास रहता है वो बाद में दिखाया जाता है कि उनके पास रणबीर कपूर रणबीर कपूर को सच में उस टाइम बिलीव हो जाता है कि रणबीर कपूर देव और अमृता का बेटा है और ये तीनों अस्त्र को लास्ट में इस मूवी में जोड़ते हुए दिखाया जाता है अब जो भाई सब सेकंड पार्ट आने वाला है भाई सेकेंड पार्ट की स्टोरी क्या होगी मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड पार्ट की स्टोरी यही होने वाली है कि एक्चुअली में अब दिखाया जाएगा सेकेंड पार्ट में कि जो देव है जो अमृता है उसके बाद से जो नागा अर्जुन है शाहरुख खान है वो सब कहा से आए थे उनके पास मतलब ये ब्रह्मास्त्र की शक्ति जितने भी अस्त्र है वो सब आए कहाँ से तो एक्चुअली में पास दिखाई जाए तो तुम लोगों ने देखा होगा एक चीज अमिताभ बच्चन का जो आश्रम रहता है वहां पर बहुत सारे बच्चे बूढ़े सब कोई जादू वगैरह सीखते हैं तो मेरे हिसाब से क्या हो सकता है पता है कि पहले जो पास्ट में दिखाया जाएगा वहां पर देव और अमृता उसके बाद से नागा अर्जुन का सब कोई वहां पर स्टार्टिंग में हो सकता है कि जादू वगैरह सीखते होंगे सीखने के बाद से क्या तुमने हैरी पॉटर देखा होगा ना हैरी पॉटर में क्या हैरी पॉटर का जो माँ बाप रहता हुआ कि स्कूल में सीखते वहां पर तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो अच्छी पावर्स के सपोर्ट में हो जाते हैं और कुछ जो ब्लैक मैजिक के सपोर्ट में हो जाते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट किया गया होगा कि देव और अमृता एक दूसरे से प्यार करने लगते

तरीका से बच गई जैसे अमृता को तो दिखाया गया कि अमृता बच गई थी तभी उसने रणबीर कपूर को जन्म दिया लेकिन यहां पर देव जो है वो कैसे पत्थर बन गया क्या उसको कोई श्राप मिल गया था या कुछ मिल गया था लेकिन मुनी राव जो जुनून नाम है जिसका वो क्यों सपोर्ट कर रही है देव को आखिर उससे देव का क्या रिलेशन है तो ये सब कुछ देखने को हम लोगों को पार्ट टू में मिलेगा तो एग्जाम्पल के तौर तो पे एक समझा जैसे कि हम लोगों ने बाहुबली वन बाहुबली टू देखी तो बाहुबली वन में क्या दिखाया गया था आगे की कहानी दिखाई गई थी आगे की कहानी मतलब की बाहुबली का जो लड़का है उसको कोई बताता है कि तुम्हारे जो पिता थे बाहुबली वो कितने ताकतवर थे सब कुछ थे लेकिन बाहुबली को नहीं दिखाया जाता है ज्यादा अब जो सेकेंड पार्ट आता उसमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में बाहुबली का जो बिल्डअप हुआ था वो किस तरह से लाइव जी रहे थे उन्होंने क्या क्या किया तो सेम कॉन्सेप्ट मुखर्जी ने इस मूवी पे अप्लाई कर दिया है कि फर्स्ट पार्ट पे लड़के को दिखाया गया मतलब रणबीर कपूर को दिखाया गया और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में जो रणबीर कपूर का बाप है देव और उसकी मां अमृता है तो वो लोग इतने ताकतवर यानी देव के पास इतने पावर्स कैसे आए कहां से आए इन सभी सवालों के जवाब पार्ट टू में हम लोग को देखने को मिलेगा और एक बात यहाँ पर और पॉइंट करने की बात है कि जितने भी इसमें एक्टर या कैरेक्टर सभी का इस ब्रह्मास्त्र या जादू या मैजिक से रिलेशन है लेकिन आलिया भट्ट का नहीं दिखाया गया लेकिन क्यों ऐसा हुआ मेरे हिसाब से लगता है कि आलिया भट्ट की भी कोई पास्ट कहानी है जो इस पार्ट में रिवील नहीं किया गया देखो हो सकता है कि आलिया भट्ट भी किसी के प्लान के द्वारा भेजी गई क्योंकि देखो कोई भी लड़का लड़की इतनी जल्दी मतलब रणवीर कपूर ने उसको प्रपोज किया इतनी जल्दी वो आगे और एक चीज तुमने ध्यान करना कि उसके आने के बाद से इसकी शक्ति का जो ग्रोथ हुआ है या जो शक्ति करना चाहता है तो हो सकता है किसी ने इसको प्लान करके मतलब आलिया भट्ट को भेजा हो अगर रणबीर कपूर के पास तुम जाओ क्योंकि उसकी जो शक्ति है ना तुम ही उसको जगा सकती हो तो मेरे हिसाब से पार्ट टू में यह भी दिखा दिए कि एक्चुअली में आलिया भट्ट भी हो सकती है किसी की बेटी है देखो मैं पता तो नहीं है लेकिन गेस कर सकते किसी भी एक्टर या कैरेक्टर की इसमें बेटी होगी जो प्लान करके उसको भेजा गया और आलिया भट्ट को सब कुछ पता होगा ऑलरेडी लेकिन वो शायद इग्नोर कर रही है या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो सभी हम लोग को पार्ट टू में देखने को मिलेगा तो भाई साहब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पता चले होगी पार्ट टू में क्या दिखाया जा सकता है दोस्तों तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर